तो फाइनली पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने का एक स्ट्रॉन्ग तरीका ढूंढ निकाला है और उसमें चाइना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और वो तरीका है कि पाकिस्तान और चाइना अब डोंकीज यानी गधों का व्यापार करेंगे। और सुनने में ये बात आपको भले ही अजीब लग रही हो, पर पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री कमेटी में भी इसकी बातचीत हो रही है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की एक ब्रीफिंग के दौरान कमेटी के मेंबर ने बताया कि चाइना ने पाकिस्तान से डोंकीज और डॉग्स इम्पोर्ट करने में इंटरेस्ट दिखाया है। तभी उसी कमेटी के मेंबर ने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम अफगानिस्तान से गधों को इम्पोर्ट करके चाइना को भेज दें, ऐसे में हमें मुनाफा होगा। पर फिलहाल के लिए लंपी स्किन डिजीज के चलते अफगानिस्तान से एनिमल इम्पोर्ट्स पर बैन है। दोस्तों चाइना का इंटरेस्ट इन डोंकीज में इसलिए है क्योंकि इन एनिमल्स की स्किन चाइना की ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होती है, जिसको ब्लड को नरिश करने और इम्यून सिस्टम को एनहांस करने के लिए यूज किया जाता है। लास्ट ईयर भी पाकिस्तान के पंजाब के ओकारा डिस्ट्रिक्ट में पंजाब गवर्नमेंट ने 3000 एकड़ के डंकी फार्म्स बनवाए थे, जिससे पाकिस्तान के गिरते फॉरेन रिजर्व्स को संभाला जा सके।